Next, we have the story of a young couple who belong to a village in Haryana. Their story is underlined by the hardships and challenges that came in the way of their building their Amway business. Here's the story of one of the youngest, fastest growing and most consistent Amway leaders, Mrs. Sunil Sharma and Mrs. Narendra Kaur. माई सेल्फ सुनील और मैं गांव से हूं. मेरा गांव है जांडली कलां फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में और वहां मैंने पढ़ाई की 10वीं क्लास तक. उसके बाद मैंने शहर में पढ़ना स्टार्ट किया. जब शहर में पढ़ते पढ़ते मैंने वहां दुनियादारी को देखा, समझा, बहुत सारी चीज़ें नई पता लगी और फिर वहां ड्रीम बना कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है जाके. मैंने वहां लीडरशिप सीखी और उस टाइम मुझे मौका मिला हरिभूमि के लिए एडिटोरियल्स पे लिखने का. हिसार में मैंने एक टीवी चैनल के साथ काम करना शुरू किया. वो टीवी चैनल के साथ काम करना मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू वाली चीज़ थी और मुझे लग रहा था बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी. कैमरा हाथ में था, माइक हाथ में था, बहुत मज़ा आ रहा था, पर वो जो चीज़ मैं हासिल करना चाह रहा था वो नहीं मिली. मैंने उसको छोड़ दिया और वापस मैंने एज ए टीचर जॉब स्टार्ट की. और जब मैं उस टीचर की जॉब कर रहा था उस टाइम बहुत सारे रिसोर्सेज मेरे पास नहीं थे. एक छोटे से घर में एक 10x10 के कमरे में हम रहते थे. किचन भी सेपरेट नहीं थी, उसके अंदर ही किचन थी. 800 रुपये किराया था. बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ नहीं थी. ये लग रहा था कि लाइफ को और बेहतर करना है और बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है. तो मैंने उस टाइम बाइक ली पुरानी और फिर बाइक पे जाना स्टार्ट किया. इन बिटवीन एमवे बिजनेस हमें मिला. मेरी वाइफ को ये बिज़नेस दिखाया उनके क्लीग ने और मुझे लगा ये जो बिज़नेस मैं कर सकती हूँ तो मेरे आने वाले जो मेरे बच्चे होंगे उनकी जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाएगी. तो मुझे उस टाइम नहीं लग रहा था कि अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इतना अच्छा काम करेगी. मेरे पास कभी भी बिजनेस के लिए एक्सक्यूज़ नहीं रहे कि ये चीज़ इसलिए नहीं हो सकती कि मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, नहीं मैं मुझे 8 मंथ है तो मैं ट्रैवल नहीं कर सकती. मुझे याद है आर्टिस्ट्री का एक प्रोग्राम था गुड़गांव में और एट द टाइम आई एम प्रेग्नेंट, मेरा बेबी बॉय जो है बेटा होने वाला था. तो उस टाइम मैं बस में ट्रैवल करके गई थी क्योंकि सुनील को कुछ और मीटिंग्स करनी थी. तो पूरा बस में जाना, बस में आना यहाँ से गुड़गांव. और अगले दिन जब मैं आ रही थी तो इवन कि बस में सीट नहीं थी और पूरा रास्ता मैं खड़ी होके आई थी और मेरी टीम के बहुत सारे लोग इस चीज़ से वो हो भी रहे थे कि बिजनेस. पर इस बिज़नेस ने हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया. तो हमने एक पुरानी मारुति जैन खरीदी और उस मारुति जैन को लेके हम फील्ड में घूमते थे, लोगों के पास जाते थे. तो हमने सीखना शुरू किया कि किस तरीके से बिज़नेस बड़ा होगा. तो हमें पता लगा कि प्लान में बहुत बड़ी पावर है और हमें प्लान दिखाने पड़ेंगे, उससे नए लोग टीम में आएंगे, टीम बड़ी होगी. तो हमारी टीम बड़ी होनी स्टार्ट हुई और हम इस बिज़नेस के अंदर सिल्वर हुए. जब सिल्वर हुए तो मैंने गाड़ी प्लान की और हम एक नई गाड़ी लेके आए पहली बार, फिएट पोंटो. और वो मुझे अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट लगी कि मैंने लाइफ को कहाँ से स्टार्ट किया था और आज मेरे पास एक गाड़ी है. हम उस साल पेरिस गए एमवे के साथ. वो हमारा पहला विदेश ट्रिप था. तादो अमेजिंग ट्रिप था. बहुत सारे ट्रिप्स हमने लिए, याद भी नहीं है इतने सारे फॉरेन ट्रिप्स हम लोग कर पाए. बच्चे भी गए 2-3 फॉरेन डेस्टिनेशन पे. उसके बाद हम एमरल्ड हुए. तो फिर मैंने प्लान किया अपने बिजनेस को अगले 5 साल के लिए कि किस तरीके से मैं इस बिजनेस को लेके आऊँगा. फुल एनर्जी, बड़े विजन के साथ हम मैदान में उतरे. हमने, मैंने और नीरू ने बैठ के प्लान किया. फिर हमने टीम में लोग आइडेंटिफाई किए कि कहाँ हम किन किन लोगों को बिल्ड कर सकते हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं. कुछ टीम्स में मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी. हमने स्पोर्ट्स के लोगों के साथ काम करना स्टार्ट किया. वहाँ पे हम कुछ अकेडमीज में गए, हमने रेसलिंग
बॉक्सिंग के लोगों के साथ काम किया और वहाँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, एक अच्छी खासी रेगुलर जो रिटेलिंग की बहुत सारा कंजप्शन हमें दिखा वहाँ, प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन्स, हमारा न्यूट्रलाइट को चाहने वाले लोग हमें मिले और वहाँ से मुझे 5वीं-6वीं लेग में वॉल्यूम मिलना स्टार्ट किया। हम उस साल डायमंड हुए तो हमने ब्रांड न्यू रेंज रोवर उस साल खरीदी। बड़ी अच्छी बात है कि हम दोनों साथ रहते हैं, हमारे बच्चों को जब भी हमें कहीं जाना होता है, जब भी हमें कुछ प्लान करना है, हमें ये नहीं है कि हमें किसी बॉस को रिपोर्ट करना है कि नहीं कल नहीं जा सकते, परसों नहीं जा सकते। हमारा कैलेंडर खुला है, हम जब चाहें कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से भी मिल सकते हैं। तो ये जो टाइम है ये वर्थ है और मुझे लगता है बींग ए लेडी एमवे बिजनेस से अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे धरती पे नहीं नज़र आती जिसको आप अपने घर के साथ इजीली मैनेज कर सकते हो। आपको कहीं फैमिली को नेगलेक्ट करने की जरूरत नहीं, आप फैमिली को भी अच्छा टाइम दे रहे हो। उसके साथ साथ पैरेलली हम एक घर बना रहे हैं 500 स्क्वायर गज में और वो अपने आप में एक बहुत अच्छा घर बन रहा है, उसका विजन, उसका पिक्चर दिमाग के अंदर क्लियर है। तो मैंने अपने 10 साल के बिजनेस में एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझा है कि अगर इस बिज़नेस को बड़ा करना है तो आपको यूथ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज एमवे बिज़नेस जिस चीज़ से चलता है एनर्जी से, पैशन से, और यूथ के अंदर वो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, उनके अंदर जोश, उत्साह, पैशन कूट कूट के भरा होता है। हमारे पास पोर्टफोलियो ऐसा है यूथ के लिए डिजाइंड, हमारे पास एक्सवे प्रोटीन है, एनर्जी ड्रिंक्स और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जहाँ यूथ डायरेक्टली रिलेट भी करता है और जब अपने सर्कल में जाके, अपने फ्रेंड सर्कल में जाके उन प्रोडक्ट की बात करता है तो उनके लिए बहुत आसान होता है उस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस शेयर करना और उस एक्सपीरियंस को एक सेल्स के अंदर कन्वर्ट करना। जब मैं जॉब कर रहा था तो मैं 8,000 रुपये की इनकम ले रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने बिज़नेस को देखा, सुनील जी के लाइफस्टाइल को देखा, बिज़नेस को बड़ा होता देखा, तो फिर मैंने अपना फोकस बिज़नेस की तरफ और आगे बढ़ा दिया। और उन्होंने हमें जो बिज़नेस के बारे में सिखाया है, बिजनेस प्लान बिल्कुल सिंपल तरीके से कि हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं, अपनी जॉब से फ्रीडम कैसे पा सकते हैं, उन्होंने हमें जो प्रोडक्ट के बारे में सिखाया कि प्रोडक्ट की क्या अपॉर्चुनिटी है और इस प्रोडक्ट के साथ कितना बड़ा बिजनेस को बनाया जा सकता है, इस प्रोडक्ट के जरिए आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हो और आप अपने खुद के बॉस बन सकते हो। और इतना अर्ली एज में इतनी सारी चीज़ें जो मैंने अचीव की हैं वो सिर्फ एमवे बिजनेस की वजह से पॉसिबल हुई हैं। थैंक्स टू एमवे और इस पूरी लाइफ हमारी चेंज हो चुकी है और जीरो से हीरो बने हैं हम लोग इस बिजनेस के थ्रू। थैंक यू सो मच।